हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस सारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जोडियाक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे बारे में या इस रीडिंग का जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या इस रीडिंग के एंडिंग में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी वर्गोज। हम लोग पहले निकाल रहे हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस, जो हम लोग आपके रीडिंग के एंड में देखेंगे। हम लोग आपकी रीडिंग शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन से, उसके बाद मूव ऑन करेंगे आपके करियर सिचुएशन में। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। क्या जान सकते हैं आपके लव सिचुएशन के बारे में वर्गोज फॉर मार्च फर्स्ट हाफ। सो हमारे पास है द फोर ऑफ कप्स एनर्जी। आई सी दैट आप किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ पे वर्गोज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग किसी पर्सन के बारे में। आई सी दैट आप किसी सिचुएशन को अपने लाइफ में बदलना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप को बदलना चाहते हो, आप दोनों में जो इक्वेशन है उसे बदलना चाहते हो। कोई अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आई सी दैट इस कनेक्शन में आप सेटिस्फाइड नहीं हो। या तो आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो, या तो आप इस पर्सन को कुछ कहना चाहते हो, या आप हालातों को बदलना चाहते हो। बहुत सारे वर्गोज यहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो किसी ऐसे पर्सन से जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, जिन्होंने आपका वैल्यू नहीं समझा, या जो पर्सन के साथ काइंड ऑफ आप सेटिस्फाइड नहीं थे पास्ट में। आई सी दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी है वर्गो, दैट आप कुछ अपने हाथों में एक्शन लेना चाहते हो, आप सिचुएशन को उठ के बदलना चाहते हो। बट आई सी दैट आप जो भी इस वक्त सोच रहे हो वो अपने इमोशंस के दम पे सोच रहे हो, ना ही आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। सो आई सी कुछ लोगों को यहाँ पे रिसेंटली किसी बात पे रिजेक्शन मिला है, रिसेंटली आपको थोड़ा सा ठेस पहुँचा है, रिसेंटली आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है किसी से। बट वर्गोज आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है दैट यहाँ पे लव हो या कुछ भी हो, जैसे इमोशन ज़रूरी है वैसे प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है, दिमाग से काम लेना भी ज़रूरी है। बिकॉज इस वक्त वर्गोज आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जो लोग सिंगल हो, आई सी आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, या आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो जिसके बारे में आपको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है। आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको भी पता नहीं है कि क्या है। लेट अस सी जो लोग यहाँ पे किसी से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। व्हाट इज दिस पर्सनस एनर्जी वर्गो इज डीलिंग विद स्पिरिट। ओके, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। वर्गो दिस इज समबडी, बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज समबडी जो अपना मन मर्जी कर रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो या तो पास्ट में, अगर ये पर्सन प्लेयर किस्म के थे आपको पता है, देन ये एक वार्निंग है वर्गोज, डू नॉट लेट दिस पर्सन इन। आप यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाहते हो, मैं मानती हूँ, बट अगर आपको पता है, अगर आपको पता है दैट ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेंगे, ये पर्सन काइंड ऑफ कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं है, तो ये रिस्क मत लेना। बिकॉज दिस इज़ नॉट समबडी जो चेंज हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट समबडी जो कमिटमेंट दे रहे हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें पता है ये पर्सन प्लेयर है, जिन्हें पता है ये पर्सन टॉक्सिक है। इट्स नॉट न्यू न्यूज़, आपको ऑलरेडी पता है। अब आते हैं उन लोगों पे हु इज़ डीलिंग विद नॉट अ प्लेयर, जो नॉर्मल सिचुएशन में डील कर रहे हो किसी से। आई सी दैट आपके जो पर्सन है वर्गो, ये काइंड ऑफ अपना मन मर्जी कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ सिचुएशन को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा हाई है किसी बात पे,
इनको लगता है दैट आप हमेशा अवेलेबल होंगे या आप अभी भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो. सो ये पर्सन कभी भी आपके लाइफ में एंट्री ले, कभी भी ये पर्सन अपना डिसीशन बदले, कभी भी ये पर्सन कुछ भी डिसाइड करे, कभी भी ये पर्सन आपको चूज करे, आप हमेशा होंगे इस पर्सन के लिए. सो ये पर्सन आपको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ अपना मन मर्जी कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ चीज़ों को बहुत ही लाइटली और ग्रांटेड वे में ले रहे हैं वर्गो. सो आई सी दिस टाइम कि या तो आप क्लियरली बात करें इस पर्सन से अगर वो पॉसिबल है, या तो एटलीस्ट आप शो करें दैट आप अवेलेबल नहीं हो, या आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो अपना वैल्यू भूल के इस पर्सन के लिए वेट करो. सो दिस इज टाइम कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो अपने वैल्यूज पे, अपने ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने वेलबींग पे, अपने हेल्थ पे एंड अपने करियर पे, ना ही इस पर्सन के ऊपर. बिकॉज आई सी दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना ज़रूरी है. इस पर्सन को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है दैट वर्गो जो है वो इतना भी रेडी नहीं है. वर्गोज का अपना लाइफ है, वर्गोज का अपना काम है, वर्गोज अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं. क्रॉस वॉचर्स एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है. अगर मैं जोड़िया की बात करूं, ऑफ कोर्स मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, वर्गो, टॉरस, एरीज. लेट अस सी योर करियर सिचुएशन. लेट अस सी योर करियर सिचुएशन वर्गोज. स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सिक्स ऑफ वांड्स एट डेथ. ओके, आई सी दैट वर्गोज दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम दैट आप कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ टाइम कि मे बी आप लॉटरी आपको लग रहा है, या किसी बात का बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन है जो पूरा हो सकता है. आप बहुत ज़्यादा रकम कहीं से कमा रहे हो, या बहुत ज़्यादा रकम आपके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है किसी बात से. सो आई सी दैट दिस इज़ अ लकी टाइम वर्गोज, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जब आप अपना सिचुएशन बदल सकते हो. आई सी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है. आई सी जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, जो लोग इन्फ्लुएंसर हो, या आप कुछ पब्लिक इवेंट करते हो, आप एनजीओ चलाते हो, समथिंग लाइक दैट. मे बी आपको बहुत बड़ा डोनेशन मिल रहा है, मे बी आपको बहुत बड़ा पब्लिसिटी मिल रहा है, मे बी आपका मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, मे बी लोग आपके प्रोडक्ट्स को पहचान रहे हैं, लोग आपके बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं. सो आई सी दैट यहाँ पे कुछ है जो आप काइंड ऑफ सुपीरियर महसूस कर रहे हो, आप काइंड ऑफ स्टेबल महसूस कर रहे हो, एंड एक बहुत बड़ा इनकम है, बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है जो आपको मिल रहा है पब्लिक से या किसी पर्टिकुलर जगह से. आई ऑल्सो सी दिस इज अ टाइम जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको मदद करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको एज अ लीडर देख रहे हैं. सो ये टाइम है कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को काम पे लाओ, ये टाइम है कि आप अपनी किस्मत को आजमाओ, ये टाइम है कि आप काइंड ऑफ लीडरशिप एक्टिविटीज़ करो, जहाँ पे जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ है, अगर आप लीडरशिप एक्टिविटी करते हो, लीडरशिप रोल्स निभाते हो, ये टाइम है दैट आप काफी ज्यादा सक्सेस मैनिफेस्ट कर पाओगे. आई सी दैट कुछ सारे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट आपके पास वो लेसन ऑलरेडी है दैट इस ब्लॉकेजेस को कैसे हटाना है. आपके पास वो लेसन है बिकॉज पास्ट में भी आपने सेम ब्लॉकेजेस को झेला है, पास्ट में भी आपने सेम सिचुएशन देखा है. सो आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है. कुछ ब्लॉकेजेस होगा बट आप बड़े ही आसानी से ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो, ब्लॉकेजेस को पीछे छोड़ सकते हो, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो लेसन है. ओके ओके, सो योर यूनिवर्सल मैसेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ऑफन. आई सी दैट वर्गोज दिस इज अ टाइम कि आप शुरू से शुरू करें, आप शुरू से शुरू करें.
दिस इज़ अ टाइम बहुत सारे लोगों को लग सकता है वर्गोज दैट मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना आई वॉन्ट, मेरे पास उतना लुक्स नहीं है, मेरे पास एक स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, या मैं ये डिज़र्व नहीं करता या मैं वो डिज़र्व नहीं करता, बट फिर भी इतना सारा झंझट है जो मुझे झेलना पड़ रहा है, इतना सारा प्रॉब्लम है, इतने सारे लोन्स हैं जो मुझे रीपे करना है, इतना सारा हेल्थ इश्यू है, इतने सारे लोगों का ताना मुझे सुनना पड़ रहा है। सो जो भी ये चीज़ है, जो भी ये सर पे बर्डन है, इमोशनल, फिनेंशियल, जो भी, आई सी दैट इट इज़ द टाइम वर्गोस कि आप ये ना सोचें कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये टाइम है कि आप शुरू से शुरू करें, आप फिर से ये ट्रस्ट रखें, बिलीव करें दैट आप कर पाओगे। आप शुरू तो करो, आप वो पहला कदम तो बढ़ाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। बिकॉज राइट नाउ आप काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव माइंड सेट में हो वर्गोज, दैट आपको ऐसा लगता है आप नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगता है सिचुएशन मुश्किल है, आपको ऐसा लगता है दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में या ना आप पीछे रह गए हो। बट ये जो भी आपको लगता है, ये टाइम है कि आप खुद को गलत साबित करें, ये टाइम है कि आप काइंड ऑफ दुनिया को दिखाएं कि आप किसी से कम नहीं हो, आप फिर से शुरू कर सकते हो, चाहे आपका उम्र कुछ भी हो। सो कॉन्फिडेंस रखो, आगे बढ़ो, ट्रस्ट रखो, शुरू करो, डरो मत, पीछे मत हटो, एंड घूम के पीछे मत देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू माय वर्गोज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, मदद करेगा आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।